में यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सम्मान करते हैं तहे दिल से। क्योंकि सांसद बन करके भी, विधायक रह करके भी, मंत्री पद से भी जिन्होंने इस क्षेत्र का भी और हमारे समाज का भी नाम बढ़ाया है, उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सम्मान करते हैं। और हर साल उनकी तरफ से, क्योंकि गरीब कन्याओं की शादी बाबा जी की जो बरसी है जी, आप उनको देखते जान कैसे लगता था आपको? दादाजी हैं हमारे, आपके दादाजी हैं, लेकिन आज दुनिया में नहीं है, आज पुण्यतिथि पे कैसा लग रहा, सब लोग आ रहे हैं उनकी याद, ये सबका आशीर्वाद है जी, सब आ रहे हैं। दादाजी का प्यार ही इतना था लोगों के साथ कि मेल भाव इतना ज़्यादा था कि सब लोग आशीर्वाद लेने, प्रसाद लेने सब आए। आपका पूरा नाम क्या बताया? सतेंद्र खटाना। अच्छा, सतेंद्र खटाना जी, आप धर्मेंद्र पंडित जी उनके आप बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं धर्मेंद्र जी के, हमारे बड़े भाई हैं पंडित जी के। और आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखिए सभी लोग एक साथ आकर के हमारे बाबा जी को फूलों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। हम और अतिथियों से बात करेंगे, तो थोड़ा जानकारी अगर बता दें तो। हम भी टीचर रहे हैं जी, और हमारे तो बड़े पूज्य थे जी जी, और उनका सा स्वभाव नहीं देखा, बहुत बढ़िया, सबके साथ मिलनसार, उनके अंदर अहम नहीं था जरा, थोड़ा बहुत भी अहम नहीं था, और गरीबों की उनकी सबकी पूज्य थे। चलिए मैं बात करता हूँ हमारे साथी और साथ में है बुजुर्ग आदमी, जरा क्या नाम है आपका? श्री राम बंसल, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही मिलनसार जीव थे, और भगवान उनको शांति प्रदान करे। आज भजन में भोजन का एक कार्यक्रम रखा है, और आज राम नवमी का जो पावन दिन है, इतना अच्छा मौका आज यहाँ पर जो हमें उस महान आत्मा को याद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं जयवीर भाटी उलीपुरा क्षेत्र में पूरी मंडली की तरफ से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए आगामी कार्यक्रम की प्रस्तुति आपके बीच में देने जा रही हूँ। और आइए माँ सरस्वती की वंदना, अभी थोड़ी देर पहले भाई राहुल वाजिया जी के द्वारा प्रस्तुत हुई एक ऐसा भजन, जिस भजन के माध्यम से जीवन की मूल सच्चाई से अवगत कराते हुए भाई नरेश नागर जी आपके बीच में ये भजन की प्रस्तुति रखने जा रहे हैं। आइए भाई नरेश नागर जी, और जिन यहाँ रिश्तेदारों ने भोजन ग्रहण कर लिया उनसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है, वो सामने आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आइए भाई नरेश नागर जी, ग्रेटर नोएडा आपके बीच में।
ज्यादा रिपीट ना देश है सभा के बीच में प्रॉपर्टी डीलर बैठा है पता एक बार हाथ मंगा दिया उसके बाद में कोई लड़ेगा भिड़ेगा कोई मतलब नहीं इंसानियत को भूल गए जबकि बताया रहे इंसान किसके लिए बेईमानी करता है किसके लिए कमाता है सब कुछ यहीं पर मिला है और यहीं पर एक छोड़ जाना है इसी गली में छोड़िए कैसे नाम हमारे गुर्जर समाज के गुर्जर गौरव के रूप में परम आदरणीय बाबूजी कंवर सिंह कंवर जी हमारे बीच में यहाँ पर पहुंचे हैं उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत सम्मान करते हैं तहे दिल से क्योंकि सांसद बन करके भी विधायक रह करके भी मंत्री पद से भी जिन्होंने इस क्षेत्र का भी और हमारे समाज का भी नाम बढ़ाया है उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत सम्मान करते हैं और हर साल उनकी तरफ से क्योंकि गरीब कन्याओं की शादी अरे किसको ठगने आप किसको ठगने चला यार तू खुद माया में क्या हुआ और मेरे में दूरदर्शन के माध्यम से भी सुनते रहते रहते हैं जी हाँ पूनम त्यागी जी आपके बीच में ताली बजाकर के कमी सम्मान है छोटा पहले से सम्मान करें आइए आपके बीच में सुंदर सी आदमी की प्रस्तुति लेकर तैयारी आइए पूनम त्यागी जी छोटे वेरी गुड ये देख लो हंस रहा है ये छोटा सबसे ज्यादा हंस रहा है नमस्कार मैं हूं कमल सिंह लाइव न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली आज आया हूं मैं छतरपुर के सुल्तानपुर गांव में और चौधरी हरबंस सिंह खटाना उनकी पुण्यतिथि पर जिनके बेटे हेमराज सिंह खटाना और उनके पोते जितेंद्र खटाना सत्येंद्र खटाना धर्मेंद्र खटाना उर्फ बंटी नेताजी आज उनके दादाजी की पुण्यतिथि पर जो छतरपुर के स्थित HSK फार्म हाउस में पुण्यतिथि मनाई गई सभी ने आकर उनकी तस्वीर पर फूलों से स्वागत किया और फूल अर्पित किए और उनको याद किया चलिए मैं खटाना परिवार के एक छोटे बच्चे से मुखातिब आपको करा रहा हूँ बेटा ये हरबंस सिंह जी खटाना आपके क्या थे पड़ बाबा तुम्हारी कितनी साल है उम्र है 8 साल आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो तीसरी आप किसके बेटे हो धर्मेंद्र खटाना ओ नेताजी नेताजी
धर्मेंद्र सिंह खटाना और नेताजी बंटी खटाना, चौधरी हरबंस सिंह खटाना जी बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, जो मास्टर जी भी थे। उनके पोते जितेंद्र खटाना, सत्येंद्र खटाना, धर्मेंद्र खटाना उर्फ बंटी नेताजी, जिन्होंने बड़े ही धूमधाम से HSK फार्म हाउस में अपने दादाजी की पुण्यतिथि पे सभी लोगों को आमंत्रित किया और सभी ने आकर उनके चौधरी साहब एक बहुत समाज सेवी आदमी थे, हमारे संगी भी थे जी, उनका प्यार क्षेत्रों को हो जाता जी, जी, जी। आज उसके प्यार सबको बट रहा है, देख रहे हो परिवार सब बहुत अच्छा साथ मार रहा है जी। तो खुशी है जी, और वो अच्छा करके गए, एक गरीबी परिवार में पैदा हुए हैं, बच्चों को अच्छा कुछ देखे गए। उनके पोते हैं, तीन पोते हैं, उनका सब अच्छा काम लग रहे हैं, सब बहुत बढ़िया। और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बाजी बहुत बढ़िया, सब खुश रहे, हम तो यही कहेंगे, और उनकी आत्मा इन बच्चों में। उनका गांव का नाम जो पैतृक उनका गांव है, तो जो मिली आपको पूरा कौन सा गांव? जनकपुर, जनकपुर न्यू दिल्ली। धन्यवाद हमारे विधायक साहब प्रेम सिंह तंवर जी, और उनसे जानेंगे आज हमारे हरबंस सिंह खटाना जी के पुण्यतिथि पर आप आए, धन्यवाद। खटाना जी के बाद में कुछ रोशनी डालें, बड़ा अच्छा लगेगा। खटाना जी एक सोशल थे और सामाजिक व्यक्ति थे, समाज के बारे में हर विषय पे चिंता करते थे जी, और पूरा क्षेत्र भी उन्हें सामाजिक के नाम से ही जानता था जी। अच्छे आदमी थे, अच्छे कर्म थे उनके जी, और वैसे भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए थे जी, तो उनका जितना सम्मान किए थे उतना कम। बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मैं हूँ कमल सिंह, लाइव न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है, देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली। चलिए आज हम चलते हैं हमारे पूज्य चौधरी हरबंस सिंह की पुण्यतिथि पर, और उनके पोते हैं हमारे सामने जो धर्मेंद्र बंटी जी हैं, जो नेताजी के नाम से मशहूर हैं, उन्हीं से जानते हैं। आज इस प्रोग्राम में कैसे कैसे लोग मतलब आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमें, ये प्रोग्राम किस तरह मनाते हो आप? सबसे पहले तो सभी को मेरी राम राम है जी। आज रामनवमी का त्यौहार है और ये बहुत ही अच्छा पर्व है। ये देखिए हमारे दादाजी मास्टर हरबंस खटाना जी HSK, आज उनकी 15वीं पुण्यतिथि है, तो हम हर साल ही ऐसे भाऊ जी की जो है पुण्यतिथि मनाते हैं, और बड़े मतलब हमें ये लगता है कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग और हमारे मिलने जुलने वाले आदमी सभी आए, भाऊ जी को श्रद्धांजलि दें, फूल अर्पित करें, तो बड़े मन को सुकून मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश रहती है कि जितना भी आदमी आके भोजन और प्रसाद ग्रहण करे तो वो बहुत अच्छा लगता है। भाऊ जी हमारे मास्टर हरबंस खटाना जी, और ये उनकी 15वीं पुण्यतिथि है, तो हर साल इसी भांति हम मनाते हैं। अच्छा सुना है वो मास्टर जी थे कहाँ पे आने मास्टर? हाँ जी देखो मास्टर जी हमारे दादाजी जो थे वो टीचर थे हमारे, वो कई स्कूलों में पढ़ा चुके, कोटला में, अर्चनी में, जौनापुर में, तो टीचर थे। और टीचर आपको पता ही है उनकी जो भावनाएं थी वो शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षाएँ प्राप्त करें। दादाजी हमारे काफ़ी साल पहले एक्सपायर हो गए थे, यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ना जितने लोग आए प्रसाद ग्रहण करें, यही हमारी कामना होती है सभी के लिए। तो ये थे हमारे साथ बंटी जी, जो धर्मेंद्र नेताजी के नाम से मशहूर थे। आज ये कार्यक्रम पुण्यतिथि का चल रहा है और हम जानेंगे, और हमारे अतिथि जो हमारे मेहमान आएंगे तो उनकी पुण्यतिथि पर फूल अर्पण करने के लिए उन्हीं से जानेंगे बारी बारी से। धन्यवाद बंटी जी, धन्यवाद। Wait one more. Thank you.
आकर पहुंचे, भोजन प्रसाद ग्रहण कर ले और उसके बाद में जाएगा कोई भी सामने आकर के बैठ करके इस कार्यक्रम में अपना योगदान दे करके रहे, समय दे करके रखे। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। Back.